तो भाइयों इस मूवी के क्या ही करने। देखो यहाँ पर बात करें तो ये मूवी जितने खतरनाक है ना उससे ज्यादा खतरनाक इस मूवी की स्टोरी लिखने वाला बंदा है। अब देखो यहाँ पर कहानी है दो लड़कियों की, जिसमें जेमी नाम की एक लड़की होती है और मरीन, दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। लेकिन मरीन को जाना होता है अपने आंटी के यहाँ, लेकिन वो बहुत ही दूर का रास्ता होता है और इनके पास कार भी नहीं होती, तो कार भाड़े पर दिया जाता है। जाके आप दो चार समय के लिए जो है ना कार को ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। तो वहां पर जाकर ये दोनों जने कार भाड़े पर लेते हैं और ये लोग आराम से निकल पड़ते हैं एक सफर पर अपने आंटी की तरफ। लेकिन जिस कार को जो है ना वो बंदा देता है ना मरीन और इनको, वो कार पहले से कोई बंदा बुक करके रखा होता है, उसमें उसने अपना सामान भी रख दिया होता है। लेकिन जब वो लोग आते तो उन्हें पता लगता है कि वो कार तो कोई और को ही दे दिया गया है। अब भैया ये लोग जो होते हैं ना बूढ़े बंदे होते हैं, तो सामान भी उन चीजों जो कार जो जेमी लोग ले गए हैं उसमें जो सामान है उनका, वो भी जो है ना खतरनाक जो है ना होने ही वाला है। अब इनके पीछे ये लोग हाथ धोकर पड़ जाते हो, ये लोग अपनी जिंदगी में अनजान इनके पीछे खतरे आ रहे हैं। लेकिन भैया मूवी की स्टार्टिंग जो खतरनाक ब्रूटल सीन से होते हैं वो ज्यादा सेकंड की नहीं होती, लेकिन अगले ही पल जो ना टपाटप शुरू हो जाता है। बोलो तो मूवी की स्टार्टिंग बहुत ही खतरनाक सीन से होती है और खतरनाक कॉमेडी से भी होती है, लेकिन एक अच्छी चीजें होती है एक बुरी चीजें भी होती है। टपाटप में जो है ना दोनों के पास जो ना घोड़ा ही नहीं होता बल्कि गुफा होता है। और अच्छी चीजें ये होती है कि जो है ना बड़े बड़े और मुलायम मुलायम संतरे के दर्शन जरूर हो जाते हैं। लेकिन भैया ये मूवी जितना खतरनाक लेस्बियन सीन और प्यार दिखाती है ना मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इस मूवी में मैंने लड़का लड़कियों के बीच में रोमांस होते हुए दिखा ही नहीं, लड़की लड़की में लगे रहते हैं और लड़के लड़के में लगे रहते हैं। और भैया यहाँ पर जेमी की जो करेक्टर है इतना खतरनाक है कि इसके अंदर कितनी हवस इस मूवी में देखने के मिलती है मैं क्या ही बोलू, कहीं पर भी जो ना टूट पड़ती है। और ये मूवी जो ना ज्यादातर लेस्बियन वाला प्यार जो ये दिखाते ना भाई साहब उसके बारे में तो मैं कहना ही नहीं चाहता। और इसमें जो कास्ट है बहुत ही खतरनाक कास्ट है, बोले तो खतरनाक कॉमेडी के साथ साथ ये मूवी जो ना भरी पड़ी। और इसमें जो डायलॉग डिलीवरी है ना क्या ही बोली, इतनी फनी और कॉमेडी अंदाज है ना कि आप जो ना अपने हंसी को रोक नहीं पाओगे। तो मूवी भाई बहुत ही खतरनाक मूवी लगी, लेस्बियन वाला प्यार और साथ साथ में कॉमेडी से जो ना भरी पड़ी है मूवी। लेकिन इस टाइप की मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को देख सकते हो। बाकी ये मूवी जो ना मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये मूवी जो ना 18 प्लस है इसलिए समझ रहे हो ना। बाकी ये मूवी जो ना जियो सिनेमा पर हिंदी लैंग्वेज में स्ट्रीम हो रही है, जाकर एंजॉय कर सकते हो। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।